सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि पीएफआई के अकाउंट में यूपी में भी हुए पैसे ट्रांसफर, जांच एजेंसियों को मिली कुछ लोगों के अकाउंट की जानकारी। लखनऊ समेत कई जिलों में कई लोगों की पहचान हुई है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी, लखनऊ समेत कई जिलों में कई लोग की हुई पहचान। लिस्ट तैयार करने में जुटी है जांच एजेंसियां। ट्रांजैक्शन करने वालों को नोटिस भेजेगी जांच एजेंसियां। लोगों के नाम भी सार्वजनिक कर सकती एजेंसी। पीएफआई पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएफआई के अकाउंट में यूपी से भी पैसे ट्रांसफर हुए। गगन मिश्रा जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी गगन। पीएफआई को लेकर मनी ट्रांसफर का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, जब पीएफआई को किसने किसने फंड किया था उसकी एक सूची जब बाहर आती है, जब ईडी दावा करती है, तो उसके बाद उन नामों की जांच होती है जिसमें कई बड़े राजनीतिक नाम ऐसे थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के और राजधानी लखनऊ के आसपास और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ लोगों ने पीएफआई को फंडिंग दी थी। कुछ ऐसे बिजनेसमैन और राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएफआई को लगातार फंड करते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई अपना एक बड़ा एक अपना इवेंट के रूप में जितने भी आंदोलन करते थे उसको उसका जितना भी खर्चा होता था उसको बेयर करने के लिए कुछ ऐसे राजनीतिक नेता थे और बिजनेसमैन थे जो लगातार फंड कर दे रहे थे पीएफआई को। उनके नाम जल्द ही जांच एजेंसी पहले उनको नोटिस भेजी जाएगी, जब वो पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा उसके बाद जांच एजेंसी उनके नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं ताकि वो लोग जान सके कि पीएफआई को फंड करने वाले वो कौन लोग हैं जो लगातार उनको फंड कर रहे थे, उनके में मनी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, जिससे वो अपने आंदोलन को, जो देश विरोधी आंदोलन को एक मजबूती दे सके। तो माना जा रहा है कि जल्द ही एक दो दिन में जांच एजेंसी उनको नोटिस भेज कर उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी गगन, एक और महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में हिंसा में ये कहा गया कि पीएफआई के लोगों का हाथ था और पीएफआई को फंडिंग हो रही थी। अब यूपी से फंडिंग का कनेक्शन, क्या वो कुछ जिले जो है जिसका एजेंसी जिक्र कर रही है वो जिले निकल कर बाहर आए हैं, उस पैसे उस अमाउंट का जिक्र हुआ है जो उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर हुआ है पीएफआई को? देखिए बिल्कुल, जब सीए का विरोध प्रदर्शन हुआ लखनऊ के समेत और भी अन्य जिले थे उत्तर प्रदेश के जहां पर कई जगह उग्र आंदोलन हुए, उसके बाद एटीएस ने, एनआईए ने, एसटीएफ ने, यानी कि जितने भी जांच एजेंसी थी उन्होंने जांच की और जांच में साफ तौर पे उसे पीएफआई का पीछे से एक सपोर्ट माना जा रहा था, पीएफआई सपोर्ट दे रही, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने केंद्र को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी कि पीएफआई लगातार आतंकी संगठन का रूप इख्तियार कर रहा है और ऐसे उग्र आंदोलन को फंडिंग कर रहा है। लेकिन जब फंडिंग की बात आई, फंडिंग की जांच हुई कि इसको फंड कहां से दिया जा रहा है, उसमें कई ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आए जो कई राजनीतिक पार्टियों से वास्ता रखते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे नाम थे कि उत्तर प्रदेश से भी जुड़े थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीएफआई लगातार एक एक्टिव अपनी अदा कर रहा था और जितने भी उसके मूवमेंट थे वो लगातार उत्तर प्रदेश से ही चल रहे थे। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में इसकी जड़ें मानी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इसकी जड़ें हैं, क्योंकि रिहाई मंच हो गया, चाहे इंडिया मुजाहिद दीन हो गया, जब से इन पर रोक लगी थी इनके कुछ लोग पीएफआई में जुड़ गए थे और इनके जितने भी तार जुड़े थे वो सब उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, तो वाजिब था कि उत्तर प्रदेश से ही फंडिंग का मामला कुछ ना कुछ तो तार जुड़े होंगे। उसी को लेकर जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही थी, जिसके बाद कुछ नाम सामने आए हैं जांच एजेंसी के सामने कि जो उत्तर प्रदेश में पीएफआई के लोग थे उनको फंड करते थे। जी नजर बनाए रखिएगा गगन, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।